बच्चों तुम लोगों को कैसा लगा यहाँ पे घूम के? बहुत अच्छा लगा सच में, बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे, पहाड़ों का सीन साथ में इतनी ब्यूटीफुल, यहाँ पे नदी भी है। ठीक है, अब आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा। इधर देख के बात कर। जी बताओ प्राइस को लेकर क्या इशू है आपका? प्राइस का इशू ये है कि ओनली 15 मिनट 800। राम राम दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ मनी भाई। देखो अब जैसे आप लोगों को पता है कि हनी भाई तो अब मेरे साथ वीडियो में आएंगे ही नहीं, तो आज मैं जिस लोकेशन पर आया हूं वह है राजस्थान की एक अलवर सिटी में, सिली सेट के नाम से एक जगह है जहाँ पे लेक वगैरह है। तो आपको मैं दिखाता हूँ ये लेक कैसे दिखती है, ठीक है? और कोशिश करूँगा कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में दूँ ताकि आप लोग यहाँ पे बड़ी इजीली यहाँ पे आ सके। तो चलिए वीडियो को देखते हैं पूरा कंप्लीट, उसके बाद मैं मिलता हूँ आपको बीच में इन्फॉर्मेशन देते हुए और बाद में एंड में मिलूँगा आपको। सिली सेट झील अलवर राजस्थान से करीब 16 किलोमीटर दूर स्थित है। तीनों ओर से अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा यह है समुद्री स्थल पर्यटकों के लिए काफी मुख्य प्रमुख आकर्षक का केंद्र है। राजस्थान के शहर अलवर में कई पर्यटन स्थल है जिनमें से सिली सेट झील भी एक है। यह झील एक प्राकृतिक झील है जो अपनी सुंदरता से किसी का भी मन मोह सकती है। झील दिल्ली जयपुर मार्ग पर अलवर से 16 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। सिली सेट झील के किनारे स्थित राजस्थान पर्यटन विभाग निगम के लेक पैलेस होटल में ठहरने की व्यवस्था है। यहाँ स्थित पैलेस का निर्माण महाराजा विनय सिंह ने सन 1844 में अपनी रानी शीला के लिए करवाया था। इधर पीछे, ओए पीछे घूम जाओ। हेलो गाइस, आज सिली सेट जा रहे हैं। अच्छा, आपको कुछ कहना है? मुझे तो, मैं बोलती हूं। क्या कहें, बस ये है फर्स्ट टाइम आए हैं, अच्छा लग रहा है यहाँ पे, एंजॉयिंग। बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी है। हाँ। बहुत अच्छी जगह है, बहुत मजा आ रहा है, पूरा पानी पानी में, और अभी हम बोटिंग भी कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम उस साइड जाएंगे, बहुत मजा आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे हमारा बोटिंग का सिलसिला चालू हो चुका है, ठीक है? और हमने जो बोटिंग का टिकट लिया है वो 400 रुपीज़ लिया है पर पर्सन का, और 15 मिनट का यहाँ पे आपको ट्रैवल के मतलब ये है कि घुमाया जाएगा बोटिंग बोट के अंदर। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है, कुल मिला के चलते आते रहे हैं फिलहाल, ठीक है? और अब बात करते हैं कि आप लोग यहाँ पे आते तो सिलीगुड़ी आने के लिए, सिली सेट आने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि पहले एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी जो कि आपको 100 रुपये का पड़ेगा, ठीक है? एंट्री टिकट आपके अंदर, उसके लिए उसके साथ साथ आपको एक कोल्ड ड्रिंक या फिर आप कॉफ़ी वगैरह कुछ भी फ्री मिलता है वहाँ पे, तो वो चीज़ ले सकते हैं। अंदर आके आपको बोटिंग की अलग टिकट लेनी पड़ती है। अगर आप शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति सुकून और मनोरंजन के लिए कहीं घूमने का सोच रहे हैं तो सिली सेट झील की यात्रा करना आपके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। सिली सेट झील के किनारे आप आराम व बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं। यहाँ सिली सेट झील में आप बोटिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। बोटिंग का जो आपका फेयर रहेगा 800 रुपये 8% का रहेगा, आप पूरी बोट ले सकते हैं 800 रुपये में 15 मिनट के लिए सिर्फ, ठीक है? और अगर एक बंदा जाता है चाहे 10 बंदे जाते हो तो संग फेयर बिल्कुल सेम रहेगा। तो आप कोशिश करो कि आप लोग थोड़ा ग्रुप में जाएं। दूसरा, आप झील के किनारे चारों ओर आराम से टहल भी सकते हैं, शाम को हरी भरी हरियाली के बीच सनसेट का आनंद भी उठा सकते हैं। आपने पहले कभी वोटिंग करी है? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम, तो कैसा एक्सपीरियंस है? वंडरफुल। तो अपने एक्सपीरियंस बता ले। बढ़िया। देखो, बढ़िया। तो बने रहिए इस वीडियो में। सिली सेट झील सुबह के 9 बजे से शाम के 6 बजे तक पर्यटकों के लिए घूमने के लिए खुली रहती है। बता दें कि सिली सेट झील पर्यटकों के लिए
घूमने के लिए आपको 100 रुपये का चार्ज एंट्री फीस देनी पड़ेगी। अगर आप सिली सेड घूमने का प्लान कर रहे हैं तो हम बता दें कि सिली सेड घूमने का जुलाई से और मार्च तक का सबसे बेहतरीन समय माना जाता है। सिली सेड झील जाने के लिए सर्दियों का समय आदर्श समय है, क्योंकि इस दौरान मौसम बहुत सुहावना होता है। सिली सेड झील चारों ओर हरियालियों से घिरा हुआ रहता है, यही वजह है कि वहाँ का मौसम ज़्यादातर समय खुशनुमा बना रहता है। सिली सेड झील मानसून में बहुत भारी वर्षा का अनुभव नहीं करवाता, इसीलिए जुलाई और सितंबर के बीच इस जगह का दौरा करने के लिए ज़्यादा समय अच्छा नहीं है, मतलब इस समय को ज़्यादा अनुकूल नहीं माना जाता। तो बच्चों, तुम लोगों को कैसा लगा यहाँ पे घूमने? बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे, पहाड़ों का सीन, साथ में इतनी ब्यूटीफुल यहाँ पे नदी भी है, तो मतलब। और यहाँ पे देखो एक रिसेप्शन हॉल रेस्टोरेंट है, बहुत कुछ है यहाँ। आपको ना जगह पर जरूर आना चाहिए। अब आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इधर देख के बात कर। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे इतनी सारी ग्रीनरी है, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा बोटिंग करके, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? डर नहीं लगा ना बिल्कुल भी? आपको तो इस जगह पे जरूर आना चाहिए, एक बार पीछे देखो। हाँ। देखो कितनी ब्यूटीफुल लग रहा है, मतलब कि यहाँ पर बोट्स हैं, आपको आराम से, मतलब कि ज्यादा नहीं है, और इधर बहुत मजा आता है, आप सबको इधर आना चाहिए, बहुत ही अच्छी जगह है। तो गाइस, बच्चों ने भी बोल दिया है, तो आप लोगों को जरूर आना चाहिए यहाँ पे घूमने के लिए, ठीक है। बाकी ये थोड़ा प्राइस के बारे में दोबारा बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमसे त्रुटि हो गई थी, गलती हो गई थी इस प्राइस को लेकर, तो उसको थोड़ा करेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट लोकेशन में लेकर चलेंगे, ठीक है। तो दीजा जी, बताओ प्राइस का लेकर क्या इशू है आपका? प्राइस का इशू ये है कि ओनली 15 मिनट 800। तो वर्थ इट है? एंजॉय के हिसाब से तो इतना नहीं है ज़्यादा, कम से कम हमें 20 मिनट तो ऊपर से मिलना, टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि 800 रुपये दे रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि लगभग आधा घंटा कम से कम एक इंसान को मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये देखो 800 रुपये हैं वो पूरे वार्ड के हैं, ठीक है। आप उसके अंदर कितने मेंबर आ सकते हैं, जितने मर्जी बैठना चाहो उतने मर्जी बैठ सकते हैं, ठीक है। 800 रुपये लेकिन 15 मिनट के हैं, अब 15 मिनट शायद बहुत कम होते हैं, क्योंकि आप बैठोगे और तुरंत 15 मिनट ख़त्म हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, पता नहीं चलता है। हाँ, और चीज़ गाइस, यहाँ पे है ना पार्किंग वगैरह बिल्कुल फ्री है। फ्री क्या यार, 100 रुपये दिए हैं आप लोगों ने, सिर्फ पार्किंग के 100 रुपये दिए हैं, ठीक है। अंदर एंट्री के 100 रुपये बेफालतू के हैं, उसके कोई वर्थ इट नहीं है। ये था पूरा वीडियो, उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दे, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। गुड बाय।